मैनू अफसोस हुंदा जिस वेले इत्थे फनकार मेरे हम असर फनकार बैठते हैं तो मेरा जिक्र नहीं करते। तो ये जितने लड़के जिनको मैंने चांस दिए हुए तो ये जिक्र नहीं जब करते तो मुझे बड़ा अफसोस होता है। तो वहाँ जो देख रहे होते हैं अमेरिका में तो कोई कह देगा मेरी बीवी या मेरी बहू या कोई मेरी साली, तू तो कहना था इन मुंडे नूं मैं लिया, इन्हें तेरा नाँ ही नहीं लिया। बड़ा अफसोस, ये भी होता है बाजू का कट जाता है, हो सकता है गुफ्तगू उधर ना जाती हो। क्या बात करते, बाकी नाम क्यों नहीं कट रहे? अच्छा, बाकियों का करते हैं, खास तौर पे आपको महसूस होता है कि जिक्र नहीं किया? यार मेरा तो तुमने मेरे साथ काम किया हुआ है कि उनके साथ किया है, उनके साथ आबद कश्मीरी भी था थिएटर, तो जिक्र तो करो, नहीं करते तो दुख होता है। ठीक, आबिद कश्मीरी साहब की जिंदगी का सबसे गमगीन लम्हा? दो लम्हे हैं। एक दफा मैं इंग्लैंड में 97 में नरगिस का ड्रामा करने गया था तो पीछे से मेरे वालिद साहब फौत हो गए थे। ओहो, वो मुझे नहीं भूलता। तो नरगिस ने कहा मैं टिकट करा देती हूँ, आप जाएं। तो यहाँ जो आर्टिस्ट थे सभी, सरवर जमील फखरी साहब, ये उन्होंने कहा हमने दफना दिया, आने की ज़रूरत नहीं है, पूरा करके और पूरे पैसे लेके आओ ताकि बाद के हालात भी अच्छे हों। एक ये, और एक दफ़ा 2001 में मैं उमर शरीफ शो कर रहे सिंगापुर हांगकांग, उमर शरीफ साहब का था, तो वो उनके साथ में जा रहा था तो एक दिन पहले मेरी वालदा फौत हो गई। ओहो, अब उमर शरीफ आया, उसने कहा ये टिकट है, ये पेमेंट है, दिल करेगा तो आ जाना, अभी 4-5 दिन हैं शो में, दिल ना करेगा तो ना आना, ये कह के चला गया। अब सब मुझे समझा रहे हैं कि दफना भी दिया, जो मेरा आदमी गुजर गई है ये वो, तुम नुकसान क्यों कर रहे हो, कल परसों शो है तो तुम आज चले जाओ, 3 शो हैं करके चौथे दिन वापस आ जाओ। तो ये भी जो दिन गुजरे, उफ किस कर्म के वो दिन थे। मैंने ये देखा कि यार उसने अपने बराबर की मेरी फोटो लगाई हुई है, उमर शरीफ शो तो मैं गुल्लू बादशाह, मेरी फोटो और अपनी बाकी, और फिर कितनी ग्रेस भी दिखाई कि उन्होंने आपको ऑफर भी दी, जी आना है तो आओ, नहीं आना तो कोई ना। अब मैं, और दोनों नरगिस साहिबा ने भी आपने बताया, नरगिस ने तो अलग बात की, कहनी मैं करा रही हूँ, उन्होंने भी आपसे कहा कि तुम जाओ टिकट मत देखिए, दोनों बड़े अच्छे रवैये हैं। वो नरगिस उनके साथ नहीं है, मगर दोनों बड़ी खूबसूरत बात है। और मुझे नहीं कोई दुख, पैसे वैसे मेरे ऐसे, मैंने फिल्म बनाई मेरे साथ धोखा हो गया, मेरा पार्टनर पैसे ले गया भाग गया, तो मैं उसका मुझे कोई गम नहीं, मुझे ये गम थे। अच्छा कश्मीर साहब, जब आदमी स्ट्रगल कर रहा होता है तो उस वक्त लोगों की आदत होती है, हमारे यहाँ सब नहीं, बहुत सारे लोग कोई तंज करता है, कोई जुमले कसता है, बस यही जुमला, सादा सी जुमला कि ओ हो हूँ एक्टर बनेगा, मगर ये बड़ी तकलीफ देते, कोई ऐसी बात, कोई ऐसा जुमला, कोई ऐसा रवैया, कोई ऐसा जेस्चर जिहड़ा गड़ गया होवे? बड़ी जिंदगी ये ऐसा हुआ है कि मेरे दोस्त और दूध दही वाला, वो मैं गुजर रहा हूँ तो पानी का गिलास पार, एक्टर बनना चाह रहा है, दसो, टुरिया जाता नहीं, ये लोग और बाकी दोस्त खड़ा करके आप मोहम्मद अली दे डायलॉग सुना है, चेजा लेंदे सन, चेजा मजाक, बेहतरीन चेजा, ऐसे वाले ना, लेकिन मेरे रिश्तेदार ने मैनू लिख के दिता लेटर हेड से, तुम कभी एक्टर नहीं बन सकते, ऐसा इंग्लिश। एक वक्त ऐसा आया, उन्हें मैंने बुलाया, उन्होंने कहने गया वो कढ़िया परचा ए मैं लिखे सी ऐ सुटिया एक ही, तू बन गया एक्टर। मैं कहूँ की फायदा सुटन मैं तू बन ही नहीं सकता, लिख ही दिता तू। मैं इस वजह नाल मैं बनया, अल्लाह ताला नूं पसंद ही नहीं कि मेरे फैसले तू करने, कि तू बन ही नहीं सकता, तो अल्लाह ताला ने कहा तू नहीं बन सकता, तेनू जो नहीं आंदा
मैं ओदे जी नहीं टकरांगा। तुसी बड़ी बारीक और बड़ी उम्दा गल कीती, बड़ी उम्दा गल। शाह जी देखो मैंने अल्लाह ने हिट किदे कीता, यानी कि अंदरून लाहौर की जिहड़ी बोली है वो बोली नहीं जा सकती, तो ओदे विच ही एक्टिंग करके तो अल्लाह ताला ने हिट करता। कई यार एक दफ़ा मैं जा रहा था, मुझे भूख लग रही थी, मैंने दो प्लेटें गोंगलू गोश्त की लपेटी हैं, ऊपर से मैंने सेवन अप पी है, तो क्या मज़े आए हैं, ये लो इसमें हिट हो गया। वाह। कितना मुश्किल फैसला था पाकिस्तान छोड़कर अमेरिका जाने का? बड़ा मुश्किल था तब तो, मैंने बताया ना कि दो साल तो मेरा दिल नहीं लगा हुआ। बहुत सारे आपके दोस्त जो हैं जिनकी आप बहुत कदर करते हैं, जिनसे आप बहुत प्यार करते हैं और बड़ा एहतराम करते हैं, आपने उसका इजहार भी किया, मैं ज़ाती तौर पर भी जानता हूँ, वो जब आप इस मुल्क में नहीं थे वो इस दुनिया से चले गए और आप उनका आखिरी दीदार नहीं कर सके, आप उन्हें आज रुख्सत नहीं कर सके, उस तरह कभी तकलीफ़ होती है उसकी? कवि साहब थे, अमजद भाई थे और बहुत सारे होती है तकलीफ बड़ी। ये जो दो नाम आपने लिए हैं ये तो मेरे बिल्कुल, उससे पहले जमील फखरी जी, जमील साहब भी हाँ, तब मैं इधर था, तब तो मैं इधर ही था, लेकिन इनकी दफ़ा मैं इधर नहीं था। हम जैसा वहाँ गए थे यूएसए, हमारे न्यूयॉर्क में मुशायरा जी हाँ, पोस्टर इनके लगे हुए थे एक रेस्टोरेंट पे, तो मैंने उनके मैं कहा यार कदों आन गए, कहता वो तो डेट ली ही पढ़ ला पढ़िया डेट लाड़ी होने तो डेट से गुजर गई है। हाँ। कहता आहो तो वो आके चले भी गए। बहुत बहुत शुक्रिया आबिद भाई, आप तशरीफ़ लाए, बहुत अच्छा लगा। बड़ी मेहरबानी, बड़े मुद्दत के बाद आपसे मुलाकात हुई और बहुत अच्छा लगा। थैंक यू फॉर कमिंग। मुझे भी बड़ा अच्छा लगा। खैर हो आपकी। खैर हो आपकी। खैर हो आपकी। खैर हो आपकी। नाज़रीन ये था आज का ज़बरदस्त, अपने फीडबैक से हमें आगाह कीजिएगा और दो अशार पर प्रोग्राम का अख्ताम करते हैं। पुराने दो अशार मुझे कश्मीर साहब याद आ गए, अमजद साहब का जिक्र हुआ इनमें से एक अशेर उनको बहुत पसंद था तो मुझे शायद इसलिए मेरे हाफजे में आ गए। अभी तो इश्क में ऐसा भी हाल होना है, अभी तो इश्क में ऐसा भी हाल होना है, ये अश्क रोकना तुमसे महाल होना है। वाह। अभी तो इश्क में ऐसा भी हाल होना है कि अश्क रोकना तुमसे महाल होना है, और मिलेंगी हमको भी अपने नसीब की खुशियाँ, मिलेंगी हमको भी अपने नसीब की खुशियाँ, बस इंतज़ार है कब ये कमाल होना है। वाह वाह। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।